मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल आज मंदसौर के दौरे पर हैं। मालवा इलाके के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अग्रवाल आज सुबह भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद जेपी अग्रवाल प्रदेश महामंत्री श्याम सेठिया के निवास पर गए और उन्होंने जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रदेश संगठन में फेरबदल के भी संकेत दिए। उन्होंने 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर वे आज कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल गुरुवार और शुक्रवार को मंदसौर नीमच जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां कई कार्यकर्ताओं और नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं। मालवा इलाके में उनके दौरे को संगठन में भारी फेरबदल के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयानों पर मीडिया से चर्चा में जेपी अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में हालात खराब है, रोजगार, महंगाई और डेवलपमेंट के अलावा शिक्षा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। आगामी दिनों में प्रदेश में राहुल गांधी की 16 दिन तक होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी उन्होंने दावा किया है। वो ब्राह्मणों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के द्वारा दिए गए बयानों को टालते हुए उन्होंने इस बयान मिश्रा का निजी बयान बताया है। प्रदेश प्रभारी आज दोपहर बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रयासों से लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक क्यास ही होना चाहिए। मैं अभी को 10-12 दिन हुए मुझे बने गए और मुझे प्रदेश में अलग अलग जगह जाना था, तो मैंने सबसे पहले मंदसौर और नीमच चुना। बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं और जो यात्रा निकल रही है, आप देखो लाखों आदमी उसमें शामिल हैं और लोगों में बड़ा जोश है। वो 16 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश से भी निकलेगी तो सब लोग उसमें शामिल होंगे। सब में बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह है सब में। बिल्कुल बुरी हालत हो रही है इस समय प्रदेश की भी और देश की भी। क्या रोजगार है, महंगाई का बुरा हाल है, प्रदेश का कोई मुद्दा देख लें, डेवलपमेंट का मुद्दा देख लें, एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, सड़कों का देख लें, कोई सुधार दिख रहा है आपको किसी तरह? सिर्फ बात बनाने से सरकार नहीं चलती, आपको काम करना चाहिए और काम दिखाना चाहिए, उस पर बात करो आप, उस पर बहस करो। बात यह है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और जिस तरह मैं घूम रहा हूँ लोगों में बहुत जोश है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं और अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। मिश्रा के बयान से ब्राह्मण आहत हैं, वो उनका जाति कुछ उन्होंने कहा उससे हमारा या पार्टी का कोई